एक लड़का था, वह एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वह उस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता था, पर दिक्कत यह थी कि लड़का बहुत गरीब घर से था, जबकि लड़की बहुत अमीर घर से थी, और दोनों की कास्ट भी अलग थी। इस वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाइयाँ आ रही थी। वह लड़का उस लड़की से अक्सर पूछता रहता था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की कहती थी, मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, लेकिन घर वाले कभी राजी नहीं होंगे और मैं भागकर शादी नहीं कर सकती। यह समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा। लड़का कहता है, ठीक है, मैं जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तब तुम्हारे पापा से बात करूंगा। लड़की फिर बोली, शादी में क्या रखा है? क्या शादी के बाद मेरे दिल में तुम्हारा प्यार कम हो जाएगा? यह सुनकर लड़का सोच में पड़ जाता है, लेकिन लड़का हंसकर जवाब देता है, क्या तुम शादी के बाद मुझे भूल जाओगी? तभी लड़की कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी सांसें रुक सकती हैं, लेकिन तुम्हारे लिए प्यार कभी कम नहीं होगा। कुछ दिन बाद लड़की के घर वाले लड़की के लिए लड़का देखने गए। यह जानने के बाद वह लड़का जो कि उस लड़की से बहुत प्यार करता था, वह उस लड़की के दिल में अपने लिए नफरत भरने लगा। वह लड़का जानबूझकर कुछ ऐसा करता था जिससे वह लड़की उससे नफरत करने लगे। ठीक ऐसा ही हुआ जैसा वह लड़का चाहता था। लड़के ने कुछ ऐसा किया जिसके कारण वह लड़की उससे बहुत नफरत करने लगी। उस लड़की की शादी किसी और लड़के से तय कर दी गई, पर वह लड़का मन ही मन बहुत दुखी था। जिस दिन उस लड़की की शादी थी, उसी दिन उस लड़के ने लड़की की छोटी बहन को कॉल किया और कहा, मैं जो कुछ भी कहूँ वह सब अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड कर लेना, जब तुम्हारी दीदी आए तब उसे यह रिकॉर्डिंग सुना देना। उस लड़की की शादी हो गई और शादी के कुछ दिन बाद वह लड़की अपने घर आती है। तभी उसकी बहन कहती है, दीदी आपको कुछ सुनाना है। लड़की हंसकर कहती है, क्या है, चल जल्दी से सुना मुझे। जैसे ही उसकी बहन फोन चलाती है, उसमें से रोने की आवाज़ आती है। लड़की ने पहचान लिया कि वह उसी लड़के की आवाज़ है जिससे वह बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसकी छोटी बहन ने कहा, दीदी जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन इस लड़के का फ़ोन आया था, वह बहुत रो रहा था और आपसे कुछ कहना चाहता था। आप खुद ही सुन लीजिए, फोन की रिकॉर्डिंग चलने पर वह लड़का रो रो कर कह रहा था, सुनो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जीते जी तुम्हारी शादी किसी और से नहीं देख सकता, क्योंकि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है और मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और खुश रहो। इतना कहकर फ़ोन कट जाता है। लड़के की बात सुनकर लड़की बहुत रोती है और अपनी बहन पर खूब चिल्लाती है कि तुमने मुझसे उस दिन क्यों नहीं कहा जब उसका फ़ोन आया था। उसकी बहन कहती है, मैं क्या करती दीदी, उसने मुझे कसम दिया था कि मैं आपको ना बताऊं। लड़की अपने छोटी बहन से उसी नंबर पर फ़ोन लगाने को कहती है। फ़ोन लगाने पर रिंग होती है और उस लड़के की माँ फ़ोन उठाती है। लड़की कहती है, हेलो आंटी, राज कहाँ है? उसकी माँ रोते हुए कहती है, बेटी राज अब इस दुनिया में नहीं रहा। लड़की चौंक जाती है और कहती है, आंटी ऐसा कब हुआ और कैसे हुआ? लड़के की माँ ने कहा, पता नहीं मेरे बेटे ने क्यों अपने आप को ज़िंदगी से दूर कर डाला, कसम खाली थे कि किसी से शादी नहीं करूँगा। लड़की रोते रोते पूछती है, आंटी कब हुआ यह सब? उसकी माँ ने कहा, बेटा 19 मार्च को। यह सुनकर लड़की पूरी तरह से बिखर गई, क्योंकि 19 मार्च को उसकी शादी थी। लड़की बहुत रोने लगी। आखिर में यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर प्यार करते हो तो निभाना भी ज़रूर, क्योंकि प्यार वह एहसास है जो हमें जीने की वजह देता है। इस दुनिया में प्यार जैसा कोई भी खूबसूरत चीज़ नहीं है। प्यार अमीरी गरीबी काला गोरा देखकर नहीं होता। तो दोस्तों, आपको यह लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप भी किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही नई वीडियो का अपडेट आपको मिले सबसे पहले।